What's up guys, my name is Nitin, you're watching this Traveling Biceps. स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में. मैं हूँ अभी छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुंबई में. आज एक नए देश के साथ, नए फ्रेंड लोगों के साथ मिलेंगे थाईलैंड में. अभी मैं हूँ फिलहाल छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मेरे साथ आज ज्वाइन होंगे ट्रिप के लिए. ये है मिस्टर नीलेश और ये है अमोल. अमोल भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा अभी इस बार. और जा रहे कहाँ? थाईलैंड फर्स्ट टाइम है. और नीलेश जी आपको? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और थाईलैंड जा रहे हैं, मेरी फर्स्ट ट्रिप है. नीलेश भाई की इंटरनेशनल पहली ट्रिप है और अमोल भाई ने इससे पहले यूएई यानी दुबई जाके आए अमोल भाई. बट नीलेश भाई फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं. देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा थाईलैंड का, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम थाईलैंड जा रहा हूँ. अभी हमारी फ्लाइट है थाई स्माइल की, लगभग 11 बजे के करीब है. आगे की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर दूंगा, यहाँ से चेक इन करूंगा, फिर आगे मिलेंगे. लेट्स गो. तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ ड्यूटी फ्री में. बोर्डिंग पास मिलने के बाद सीधा इमिग्रेशन के और निकल पड़े. इमिग्रेशन में थाईलैंड के लिए अभी आपको थाईलैंड पास की भी जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है. सीधा इमिग्रेशन में आपको पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट की जरूरत पड़ेगी और पासपोर्ट फ्लाइट टिकट देख के इमिग्रेशन ऑफिसर सीधा पासपोर्ट पे थप्पा लगा देगा. अभी हम हैं ड्यूटी फ्री में और थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है करीबन 11:30 बजे. आगे थाईलैंड में थाईलैंड का जो वीज़ा है, वीज़ा एंड अरेवल लिया हमने और वीज़ा सीधा मिलेगा हमें थाईलैंड के एयरपोर्ट पे. थाईलैंड में हम मॉर्निंग में 6 बजे पहुंचेंगे, लगभग 5 घंटा लगेगा. फ्लाइट का टाइम हमारा हो गया है, 11:30 बजे की फ्लाइट है. चलो चलते हैं. टेक ऑफ का समय हो चुका है.
सो गाइस अभी हमें सीट मिल चुकी है, हम हमारे सीट पर बैठ चुके हैं। थाईलैंड के लिए काफी भीड़ है। थाई एयरलाइंस की ये फ्लाइट कंफर्ट, सर्विस, फूड और एंटरटेनमेंट के मामले में मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपको सीट के पीछे ये स्क्रीन मिलेगा जिसमें आप वीडियो, फोटोज़ और मूवीज़ देख सकते हो, और आपका जो थाईलैंड जाने का सफ़र है लगभग 4 से 5 घंटे का, वो आप इजीली इस स्क्रीन पे बिता सकते हो। फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद हर कोई म्यूजिक, वीडियो और मूवी देखने में बिजी था। थाईलैंड के इस थाई स्माइल एयरलाइंस में आपको वन शॉट लिकर भी प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बाद डिनर में हमें मिला फूड में एक पानी की बॉटल, एक ब्रेड, एक छोटा काजू का पैकेट, पनीर चिल्ली, बटर और राइस के साथ हमें मिला प्रॉन्स करी। फूड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। स्वागत है आपका स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैंकॉक यानी थाईलैंड में। थाई स्माइल एयरलाइंस का जो एक्सपीरियंस मिला काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इमिग्रेशन की प्रोसेस कैसी होती है देखते हैं अभी, अपन मिलेंगे आगे। थाईलैंड में हमारी फ्लाइट लैंडिंग हो चुकी है, अभी मैं जाऊँगा इमिग्रेशन क्लियर करने, इमिग्रेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। इमिग्रेशन में क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको इमिग्रेशन क्लियर करके बता दूंगा। बैंकॉक का ये एयरपोर्ट यानी स्वर्णभूमि एयरपोर्ट काफी बड़ा है। देखते हैं अभी इमिग्रेशन की प्रोसेस कैसे रहती है, वीजा ऑन अराइवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीजा ऑन अराइवल के एरो भी लिखे हैं यहाँ पे। इंडियंस के लिए थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल है, और वीजा ऑन अराइवल के लिए आपको वीजा ऑन अराइवल के डेस्क पे एक डेमो दिया गया है, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में आपको भरनी पड़ेगी, एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा, और 2000 थाई बात लेके सीधा आपको एक रिसिप्ट वहाँ पे मिलेगी, वो रिसिप्ट
लेके आप सीधा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाइए, पासपोर्ट दिखाइए, इंडियन पासपोर्ट देखने के बाद और रिसिप्ट देखने के बाद सीधा आपके पासपोर्ट पे वो एंट्री का थप्पा लगा देंगे और आप इजीली थाईलैंड घूम सकते हो। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके पास थाईलैंड की करेंसी होना बहुत ज़रूरी है, 2000 थाई बात होना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वहाँ पे नहीं लेंगे। वीज़ा मिलने के बाद और इमिग्रेशन का ठप्पा लगने के बाद मैं सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकला और ट्रू 5G का मैंने एक सिम लिया जो मुझे मिला 300 थाई बात में, जो 15 दिन काफ़ी है और 16 GB उसमें आपको डाटा मिलेगा। थाईलैंड आने के लिए ना आपको थाईलैंड पास की ज़रूरत है ना ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत है, इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो थाईलैंड के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब।